नमस्कार। पाती अपनों की मुहिम के संयोजक परम सम्मानीय डॉक्टर नेगी जी, अनुकरणीय डॉक्टर मीना सिरोला जी, जन सरोकार मंच को संयोजित करने वाले श्री देवेंद्र जी जोशी, अशोक जी सक्सेना जी, पाती वाचन के इस कार्यक्रम से जुड़े सभी सुधी श्रोताजनों को मैं रेखा शर्मा हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ और आभार व धन्यवाद प्रकट करती हूँ कि आज मुझे इस कार्यक्रम में पाती वाचन करने का अवसर प्रदान किया। इस सुंदर कार्यक्रम के बारे में क्या कहूँ। पाती अपनों का कार्यक्रम तो अपने आप में एक अनूठा कार्यक्रम था ही। इंटरनेट के इस युग में एक नई सुखद हवा का झोंका लेकर आया है। साथ ही पाती वाचन के इस कार्यक्रम में इसने सोने पर सुहागा कर दिया। डॉक्टर नेगी तथा डॉक्टर मीना सिरोला की कल्पनाशीलता, संवेदनशीलता, अकथनीय धैर्य और समाज की प्रतिभा को आगे लाने की ललक ने सबके लिए एक नया वातायन खोल दिया है, जहां से भिन्न भिन्न विचारों की, भावनाओं की, अनुभूतियों की, ज्ञान और विवेक की प्रकाशित रश्मियां हम सबके मन मस्तिष्क को आलोड़ित कर रही हैं। एक नया संसार मानो सबके समक्ष प्रकट हो गया है, जो कहीं छुप गया था, हमारी स्मृतियों में बहुत गहरे बैठ गया था। इसके लिए आप दोनों की युगल मूर्ति बहुत बहुत बधाई की पात्र है। आप दोनों को ही कोटिशा धन्यवाद। पाती लेखन विधा से जुड़ने का अनुभव हम सबके लिए एक बेहद रोमांचकारी अनुभव रहा। और जब अनुभवों पर बात करने की बात आती है तो चार शब्द दिमाग में कौनते हैं और वो है, अंधा क्या मांगे दो आँख। पाती लेखन से मुझे क्या मिला ये बताने के लिए आज मैं 40 साल पहले की अपनी दुनिया में लौट रही हूँ, जब शादी के बाद ससुराल आई थी। साहित्य में एमए, लिखने पढ़ने का बहुत शौक, खूब पत्र लिखती थी सहेलियों को, मम्मी पापा को, लेकिन भूल गई कि समय बदल गया। अब वो समय नहीं रहा था कि बैठकर घंटों पाती लिखते रहते। एक दिन थोड़ा सा उलाना मिला और लिखना बंद हो गया। बहुत गहरी ठेस सी लगी थी, लेकिन आप विश्वास नहीं करेंगे कि उस समय के लिखे हुए मम्मी डैडी के प्यारे, चिंता और फिक्र से भरे हुए पत्र और सहेलियों के नेह पगे पत्र आज भी मेरे तिजोरी में अमूल्य धरोहर की तरह बंद हैं। और जब कभी भी मुझे मौका मिलता है, मैं उसको खोलकर पढ़ लेती हूँ और यादों के गलियारे से गुजरते हुए उसमें बसे प्यार और आशीर्वाद को महसूस करती हूँ। और ये है पाती लेखन का महत्व। वरना आज अच्छे से अच्छा मैसेज भी उंगली की एक चुंबन के एहसास से गायब हो जाता है। पाती लेखन की आपकी मुहिम ने मानो जीवन अमृत दे दिया और एक बार फिर मुझे चैतन्य कर दिया। कलम फिर चल पड़ी। बच्चियों से जो कुछ भी नहीं बोल पा रही थी वो खुल करके पाती में उड़ेल दिया। और फिर जब माँ की पाती बेटी के नाम में परिणाम में मुझे 5वां पुरस्कार मिला, तो पैर तो मेरे शायद ज़मीन पर ही नहीं पड़ रहे थे। उसके बाद संतान की पाती माँ के नाम में तो मन की सारी हुलस, सारी कृतज्ञता, सारा प्यार शब्द रूप पाने को उमड़ पड़े और माँ को पाती लिख करके वो सारी मन की हुलस जो थी वो उसमें उड़ी थी। शब्द सीमाएं बांध देती हैं थोड़ा सा। आदरणीय नेगी जी के आह्वान पर मैंने मेरे दोनों स्कूलों में, लिटिल एंजल स्कूल एंड श्री रघुनाथ एकेडमी में पाती लेखन की प्रतियोगिता करवाई और बच्चों ने बहुत प्यार से उसमें सब कुछ लिखा। 3-3 पत्र, श्रेष्ठ पत्र भेजे भी और उनका सिलेक्शन भी हुआ। बहुत खुशी हुई। मेरे साथ लगभग 35 लोगों का स्टाफ है, उन सबको भी मैंने प्रेरित किया और उन्होंने भी पाती लेखन के जो भी अभी नेगी जी के द्वारा दिए गए सब्जेक्ट्स उसमें उन्होंने भाग लिया और 2-4 लोगों का सिलेक्शन भी उसमें हुआ है। सच में पाती मन में छिपे भावों की किताब है।
प्यार, स्नेह, ममता, हुला, सांत्वना, आशीर्वाद कहीं इमोजीज में समा सकते हैं भला? प्रेम पगे शब्दों का छलकता संसागर ही इस आडंबर, दिखावे और पाखंड की मरुभूमि में तपते प्यासे मन को तृप्त कर सकता है। नेगी जी को कोटिशाह धन्यवाद। आपने अयाचे थी उमड़ घुमड़ कर आए बादलों के समान पाती लेखन के रूप में शब्दों का एक नया इंद्रधनुषी संसार सबके सामने खोल दिया और सबने अपने अपने मन के भावों के अनुरूप सतरंगे रंग उसमें भरने शुरू कर दिए हैं। पाती लेखन की यह शब्द यात्रा एक से दूसरे के मन को बांधते हुए अग्रसर होती रहे, ऐसी आशा और विश्वास है। और मैंने स्वयं ने पाती बेटी के बाद माँ को पाती लिखी, मित्र को पाती लिखी, प्रकृति की पाती मानव के नाम में अभी पार्टिसिपेट किया, अनुभव लिखे, वृद्धजनों के संस्मरण लिखे, इतने सारे और साथ ही साथ और दूसरे क्षेत्रों में भी लेखनी चल पड़ी, जो मन को एक बहुत सुकून मिला कि मैं कहीं कुछ कर सकने लायक हो गई हूँ। और इसके लिए सभी कुछ का, सभी का सहयोग प्राप्त हुआ, खास करके नेगी जी का, और आज इस कार्यक्रम से जुड़ी हूँ तो उसके लिए भी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत बड़ी बात होती है कि अपने मन की बात को इस तरीके से एक खुले मंच के ऊपर हम सबके सामने साझा कर सकें और दूसरों की बातों को भी सुन सकें, और बहुत अनुभव, बहुत एक्सपीरियंसेस और बहुत कुछ मिलता है जो शब्दों में नहीं समा सकता। मेरी तीन बेटियां हैं और तीनों अभी इस समय ससुराल में हैं। बहुत कुछ उनसे कहना चाहती थी, बहुत कुछ उनसे नहीं कह पाते क्योंकि कई बार मन के भाव उस तरह से प्रकट नहीं हो पाते जिस तरह से होने चाहिए, कुछ समझाना, कुछ करना। साथ ही क्योंकि मैं बाल कल्याण समिति की चेयरपर्सन और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड से जुड़ी हुई हूँ, 10 साल मैंने वहाँ काम किया है, मेरे सामने बहुत सारे ऐसे केसेस आए, बहुत सारी लड़कियाँ आईं घर से निकलकर आई हुई या किन्हीं और कारणों से। काउंसलिंग के लिए भी बहुत सारी महिलाएँ, बहुत सारी लड़कियाँ मेरे पास आईं। मैंने देखा कि एक ही चीज़ नहीं, बहुत सारी समस्याएँ इस समय बच्चों को नए घर में एडजस्ट करने में या माता पिता के साथ एडजस्ट करने में आती हैं और उनसे मुकाबला करने में वो सक्षम नहीं होते, घबरा जाते हैं। तो बहुत सारे विचार मन में उथल पुथल मचाते रहते हैं कि किस तरीके से बच्चों की काउंसलिंग की जाए कि वो अपने आप को किन भी परिस्थितियों में, किसी भी प्रकार के माहौल में या कठिन परिस्थितियों से जूझने लायक अपने मन में साहस भर सकें। और ऐसे समय में जब माँ की पाती बेटी के नाम का ये सब्जेक्ट विषय नेगी जी ने सबके सामने रखा तो वो एक बहुत अच्छा विषय था, और क्योंकि बुक में इतने सारे लोगों के विचार सुनने को मिले और सभी ने अपने बहुत अच्छे विचार उसमें प्रकट किए हैं, तो एक मौका मिला, अवसर मिला कि मैं भी जो कुछ सोचती हूँ वो दूसरों के सामने और उन बेटियों के सामने बोल सकूँ कि क्या होना चाहिए और किस प्रकार वो अपनी परिस्थितियों से सामना कर सकें, क्योंकि बेटियां ही अपने मायके को छोड़कर जिस घर में पली बढ़ी और जहां उन्होंने अपनी ज़िंदगी के इतने सारे बसन निकाले उसको छोड़ करके एक नए घर में जाती हैं। कितनी प्यारी होती हैं बेटियां, जिस घर में होती हैं वही जानते हैं, घर को संगीतमय बना देती हैं, खिलखिलाता घर अच्छा लगता है, आंगन सुंदर लगता है। तो आज मैं माँ की पाती बेटी के नाम का वाचन करूँगी, लेकिन उसके पहले कुछ चंद लाइनें हमारी घर की कन्याओं के लिए मैं बोलना चाहती हूँ कि वो किस रूप में हमारे सामने आती हैं, तो वो चंद लाइनें प्रस्तुत हैं। ओ मेरी प्यारी सी नन्ही परी, ओ मेरी प्यारी सी नन्ही परी, तेरी मुस्कुराहटों की रोशनी सूर्य किरण बन घर द्वार जगमगाए, तेरी हंसी के झरने देहरी मुंडेर आंगन खुशियों के दीप जलाए। ओ मेरी प्यारी सी नन्ही परी, तेरी मुस्कुराहटों की रोशनी सूर्य किरण बन घर द्वार जगमगाए, तेरी हंसी के झरने देहरी मुंडेर आंगन खुशियों के दीप जलाए।
वो मेरी प्यारी सी नन्नी सोन चिरैया। तेरी चहचहाटों की गूंज मीठी सी शहद घुली सुरीली धुन बन जाए और जिंदगी के साज पर सरगम की तानों में प्यार के गीत गुनगुनाए। ओ मेरी प्यारी सी नन्ही कली, कैसी है हमारी नन्ही कलिया? तू श्री की देवी सी लक्ष्मी स्वरूपा, शारदा की बुद्धि और शिवा अपरूपा। घर द्वारे चरण पड़े स्वागत में सब खड़े, चहुदिशी भर जाए समृद्धि संपन्नता। तू श्री की देवी सी लक्ष्मी स्वरूपा, शारदा की बुद्धि और शिवा अपरूपा। घर द्वारे चरण पड़े स्वागत में सब खड़े, चहुदिशी भर जाए समृद्धि संपन्नता। ओ मेरी प्यारी सी नन्ही परी। तो हम सभी अपने घरों में आई नन्ही परियों का स्वागत इसी तरह से करें, क्योंकि लक्ष्मी सरस्वती और दुर्गा सब हमारे घर में ही निवास करते हैं और हमें उन्हें कैसे संस्कार देने हैं, किस तरीके से उनको पाल पोस के बड़ा करना है, ये सब हमको देखना है। तो आइए शुरू करती हूँ मैं आज के मेरी प्यारी बिटिया को, और ये मेरी प्यारी बिटिया ही नहीं, हमारे सभी बच्चियों के लिए जो हमारे आसपास हैं और सबके घरों में हैं, उन सभी के लिए ये खत है जिसको मैं पढ़ना चाहती हूँ। तो मेरी प्यारी बिटिया, ढेर सारा प्यार, आज बहुत दिनों बाद तुमसे ऐसे बात कर रही हूँ। यूँ तो फ़ोन पर तुमसे दिन में 2-3 बार भी बात हो जाती है, कोई समस्या हो उसके बारे में, खाने की कोई रेसिपी पूछनी है या बच्चे की कोई परेशानी, तात्कालिक समाधान के बाद बातचीत दोबारा फ़ोन आने पर ही शुरू होती है। पर कई बार कुछ ऐसा महसूस होता है कि कहीं कुछ टीस रहा है, कोई अव्यक्त दुख, कोई असंतुष्टि, कहीं छले जाने की अनुभूति, एक आत्मविमुख सा सुख, बातों में अनकही खिलखिलाहट, छलकती सी हंसी, आंचल में सिमट आई ढेरों खुशियों से भरा हुआ संतुष्ट मन ढूंढने पर भी नहीं मिलता। क्यों, ऐसा क्यों है? मुझे ही लगता है या बिटिया बताना चाहकर भी नहीं बता पा रही है? अगर ऐसा है तो बेटा खुलकर बोलो, मन भी हल्का होगा और समस्या का समाधान भी होगा। जहां तक मेरा ख्याल है, तुम शायद अपने इस नए परिवेश को अभी तक आत्मसात नहीं कर पाई हो। तुम जिस स्वतंत्र माहौल में पली बड़ी हो, वैसा तुम्हें ससुराल में नहीं मिल पा रहा। शिक्षित परिवार होने के बाद भी ससुराल में पर्दा प्रथा है, घर में नौकर चाकर नहीं है, बहुओं से कोई राय नहीं ली जाती। बेटा मुझे भी पता है, शिक्षा का प्रचार प्रसार तो बहुत हुआ है, पर हमारा मध्यम वर्गीय समाज अभी भी सामाजिक पारिवारिक वर्जनाओं की श्रृंखलाओं में जकड़ा हुआ है। लोग क्या कहेंगे, ये डर दंश बनकर चुपता रहता है, खुलकर सांसें भी नहीं लेने देता। यही कारण है कि फोटो में भी सिर पर पल्लू न देखकर रोकना टोकना चलता रहता है। सूना माथा हो या नंगी कलाइयाँ ससुराल वालों को अच्छी नहीं लगती, वो चाहकर भी अपनी पारंपरिक श्रृंगारिक धारणाओं से मुक्त नहीं हो पाते। कॉलोनी की महिलाओं के बीच भी तो उठना बैठना होता है। मुझे अच्छे से याद है कि जब मैंने तुमसे ये कहा था कि ससुराल में पर्दा प्रथा है, तो तुमने कहा कोई बात नहीं, जब जाएंगे तब पर्दा कर लेंगे, पल्लू रख लेंगे सिर पर। अच्छा लगा सुन करके, एडजस्टमेंट होना भी चाहिए। हमारे भारतीय संस्कारों में सिर पर पल्ला रखना बड़ों के आदर व सम्मान की बात है, उसमें पढ़ा लिखा होना कहीं से भी आड़े नहीं आता। और अब तो उन्होंने तुम्हें सलवार सूट पहनने की भी छूट दे दी। मैंने हमेशा बताया है कि शर्म आंखों में होती है, दोनों मिल जाएं तो सोने पे सुहागा, इसीलिए इन बातों को ज़्यादा तूल देने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानती हूँ कि बीए तक आ जाने पर भी तुम लड़कों की तरह ही रहती थी, खिलंदड़ा व्यवहार, भाग भाग कर घर बाहर दोनों जगह का काम करना, बोलने में भी खाऊंगा पीऊंगा जाऊंगा शब्दों का इस्तेमाल करना। हमें लगता था हे भगवान, ससुराल में कैसे रहेगी, बड़ी मुश्किल से टोक टोक कर तुम्हारी बोली में सुधार लाए थे हम लोग। लेकिन एक बात बताएं, तुम जितनी जींस टॉप में स्मार्ट लगती हो,
उससे भी ज्यादा सुंदर लगती हो जब सुंदर सी साड़ी और बिंदिया सजाए, हाथों में चूड़ियां पहने अपनी फोटो भेजती हो। उस दिन भी बेहद खुशी हुई जब बूंदी में कजली तीज पर तुमने सज धज कर पूजा के लिए तालाब बनाया, उस पर बड़की डाली लगाकर रंगोली सजाई और जैसा भी तुम्हारे घर में विधि विधान से बताया गया था वैसी पूजा की। हमारे यहाँ तो वो पूजा होती नहीं, हमारे यहाँ तो हरियाली तीज की पूजा होती है। इससे पता लगता है कि कैसे तुमने ससुराल में रीति रिवाजों को अपना लिया है। हम अपनी पुरातन धार्मिक, सांस्कृतिक, पारिवारिक परंपराओं को साथ लेकर चलते हुए अपनी सोच का दायरा बढ़ाते हुए चल सकते हैं। ये संक्रमण काल है बेटा, अनादिकाल से चली आ रही परंपराओं की जड़ें जमा चुकी बेल को हम एकदम से उखाड़ कर नहीं फेंक सकते। हमारे ये सारे धार्मिक विधि विधान, जल पूजा, दीप दान, वृक्ष पूजा, यज्ञ हवन, कहीं ना कहीं प्रकृति और हमारे बीच तालमेल को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं और जिन्हें धर्म से जोड़कर संस्कारों में ढाल दिया गया है। पर ये अपने वैज्ञानिक आधार को भुलाकर आजकल कोरे रीति रिवाजों के रूप में रूढ़ हो गए हैं। इन परंपराओं को मूल रूप में समझकर अपनाने का अपना अलग ही आनंद है। मुझे याद है कि तुमने एक दिन बताया था कि मैंने इतनी अच्छी डिशेस बनाई पर एक बार भी तारीफ नहीं मिली। तो खाना तो तुम अच्छा बनाते हो बेटा, पर हर घर के रीति रिवाज, खान पान, रहन सहन, सबका तरीका अलग अलग होता है, भिन्न भिन्न होता है। अपने देश में जहाँ पर हर 20 को उस पर बोलियाँ बदल जाती हैं तो खान पान भी बदल जाता है। तुम सासू माँ के पास खड़े रहकर उनके खाना बनाने के तरीके को ध्यान से देखो और वैसा ही बनाने की कोशिश करो, धीरे धीरे उनकी तरह बनाने लगोगे और जो नहीं आता उसको पूछ लो। ध्यान रखना कि खाना पूरे प्रेम से बनाना है, क्योंकि कहावत है कि दिल का रास्ता पेट से होकर जाता है। तुम मन ही मन इस बात से भी घुट रही हो कि इंजीनियरिंग और MBA करने के बाद भी बिना किसी जॉब के घर में, घर के कामों में जुटी हुई हो। कि लेकिन ऐसा सोचना नहीं चाहिए बेटा, तुम्हें अपने आप पर अभिमान होना चाहिए कि तुम्हारे पास वह शिक्षा है जो जीवन की हर चुनौती को स्वीकारने में सक्षम है। अभी तुम्हारा बेबी भी बहुत छोटा है, माँ के आंचल तले ही तो एक बच्चे का स्वस्थ शारीरिक और मानसिक विकास होता है। माँ अपने बच्चे में अपना बचपन फिर से जी लेती है। उम्र किसी की भी काम के आड़े नहीं आती। मैंने भी तो देखो, शादी के 10 साल बाद अपना काम शुरू किया, फिर इंटरनेट और मोबाइल के इस युग में अपने को अपग्रेड करो और घर पर बैठे ही कोई काम शुरू करके अपनी आय के साथ साथ मानसिक संतुष्टि भी प्राप्त कर सकती हो। कम से कम अच्छे से अच्छा कैसे किया जा सकता है, इसको देखकर ही तुम पली बड़ी हो बेटा। मुझे इस बात में कोई शंका नहीं कि चमक दमक से भरे हुए खोखली बनावटी दिखावे के चक्कर से तुम अपने आप को दूर रखोगी और रुपए पैसे के चलते अपने दाम्पत्य जीवन में किसी भी प्रकार की असंतुष्टि को हावी नहीं होने दोगी। मेरी प्यारी बेटिया, मायके के प्यार दुलार के बीच लड़कियों के खुली आंखों के इंद्रधनुषी सपने कल्पनाओं के पंखों पर बादलों के समान उड़ते हैं, पर कल्पना और यथार्थ के कठोर धरातल में बहुत अंतर होता है। इसलिए जब पराए घर के अजनबी माहौल में लड़कियां पहुंचती हैं तो थोड़ा अटपटा लगता है, स्वाभाविक है, यही नारी नियति भी है। पर घबराने की बात नहीं है, हमेशा मैंने तुम्हें ये बात बताई है कि अधिकार कर्तव्यों के पीछे चलते हैं। बिना किसी अपेक्षा के समर्पित भाव से अपना सर्वोत्तम देने की कोशिश करती रहो, अधिकार खुद ब खुद झोली में चले आएंगे। ऐसी किसी बात पर नाना जी ने लिखकर भेजा था, नर्सरी से निकालकर जब किसी पौधे को क्यारी में रोपा जाता है तब उसे भी वहाँ पनपने में, उस मिट्टी से सामंजस्य बिठाने में कुछ समय लगता है। नए परिवेश में कुछ समय तो लगेगा, धैर्य रखो, नहीं तो फिर हम तो हैं ही,
और उस समय उनकी बात ने मुझे बहुत संबल दिया। बिटिया, जब दो अनजान व्यक्ति जीवन पथ पर साथ चलते हैं तो सामंजस्य में थोड़ा समय तो लगता ही है। कुछ समय बाद वही अनजान अजनबी हमारी जिंदगी का सबसे प्यारा, सबसे अनमोल खजाना बन जाता है। सात फेरों से बंधा ये पवित्र रिश्ता इसीलिए तो जन्म जन्मांतरों का रिश्ता माना गया है। ये रिश्ता विश्वास की डोर से मजबूत होता है। यदि विश्वास डगमगा जाए तो जीवन के सुखद पलों की स्मृतियां एक दूसरे से किए गए वादों को याद करके बहुत हद तक पॉजिटिवी आती है। एक सुंदर सुखद जीवन हेतु छोटे मोटे समझौते मायने नहीं रखते। हमें ये नहीं भूलना है कि ममता, स्नेह, प्यार और संवेदनाओं से ही हम अपने परिवार को एक सूत्र में पिरोकर जीवन बगिया को महकाते हैं। धीर गंभीर नदी की तरह बनो, जो अपनी शीतलता से अपने कूल किनारों को सुंदर उपवनों में बदल देती है। उस बाढ़ की तरह नहीं जो विनाश लीला उत्पन्न करती है। आसपास के घरों में ये टूटन बिखराव देखने को मिलता है। सहनशीलता की कमी, झूठे अहम का टकराव जिंदगी को गलत मोड़ पर लाकर उसकी दिशा बदल देता है। हमारा मधुर व्यवहार, बड़ों के प्रति आदर सम्मान, बुजुर्गों की सेवा ही सुखी परिवार की कुंजी है। याद रखना, एक छोटा सा घास का तिनका भी तूफानों में भी झुककर अपनी अस्मिता, अपने अस्तित्व को सुरक्षित रख लेता है। देवेंद्र जी जोशी जी का हार्दिक आभार। मानकवर जी भी हैं यहाँ पर, स्वागत है। पर इन सब का अर्थ ये नहीं कि नितांत असह्य अग्राह्य परिस्थितियों को भी सहन करना है। नाना जी ने हमें यह शिक्षा दी थी कि यदि गलती की है तो सॉरी बोलने में देर नहीं करनी, नहीं तो उठने वाले हाथों को वहीं कसकर पकड़ लेना है। यही जीवन का मूल मंत्र है। फिर से पढ़ रही हूँ इस बात को कि यदि गलती की है तो सॉरी बोलने में देर नहीं करनी, नहीं तो उठने वाले हाथों को वही कसकर पकड़ लेना है। यही जीवन का मूल मंत्र है। और फिर नहीं, हम सब तो तुम्हारे साथ ही, घर में सबको यथा योग्य कहना, सस्नेह सहित तुम्हारी माँ। ये थी मेरी बेटी के नाम पाती, जो एक ही बेटी नहीं, हमारे आसपास जितनी बेटियां हैं उन सभी के लिए ये पाती है। पाती मुहिम ने जहाँ हमको हमारे अंदर की भावनाओं को व्यक्त करने का दिया। मैं एक पाती अपनी माँ के लिए फिर पढ़ूंगी, क्योंकि आज जो कुछ भी मैं हूँ या जितना भी हमारे पास ज्ञान है वो सब मेरी माँ के द्वारा दिया हुआ है। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि मैं 7-8 भाई बहन हैं हम, और सभी इस समय उच्च पदों पर काम कर रहे हैं, बैंक्स में हैं। भाई इस समय शिकागो में SBI का AG है, और बहनें भी रिजर्व बैंक में और बैंक ऑफ इंडिया में काम कर रही हैं। माँ ने हम सबके लिए और साथ में पिता ने मिल करके जो आशियाना बनाया था, बहुत खूबसूरती से उन्होंने हम सबको शिक्षा दी और हमें इस मुकाम तक पहुंचाया। तो उनके प्रति भी मेरी कुछ भावनाएं हैं जो मैं आज व्यक्त करना चाहूँगी। मैं माँ के प्रति ये पत्र पढ़ रही हूँ। मेरी प्यारी स्नेहमयी माँ, खूब सारे प्यार सहित वंदन। आपको जन्मदिवस की ढेरों शुभकामनाएं। अत्र कुशलम तत्रास्तु, यहाँ सब कुशल मंगल है, आशा है वहाँ पर भी सब कुशलता पूर्वक होंगे। आप ऐसे ही तो अपनी सारी चिट्ठियाँ शुरू करती थी ना। आज पुराने कागजों को उलटते पलटते आपकी और डैडी की बहुत सारी चिट्ठियाँ मिली, सब सहेज कर रखी हुई हैं, अनमोल खजाने की तरह। कभी मन अनमना सा हो जाता है तो पढ़कर बड़ी ऊर्जा मिलती है। आज आपसे बातें करने का बहुत मन हो रहा है। माँ, कल घर पर 20-25 लोग आए थे खाने पर। दिन भर लक्कर बनाया, मनोहार कर कर के खिलाया। सभी ने बहुत प्रशंसा करी, आपकी बहुत याद आई। प्रशंसा के वास्तविक हकदार तो आप ही हो। सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, रसोई
और साथ साथ पढ़ाई, कुछ भी तो नहीं छोड़ने दिया आपने? कैसा गुरु मंत्र हम सब भाई बहनों को कानों में फूका है आपने। सब कुछ मन से, पूरी क्षमता से और पूरे विश्वास से करो और अपना श्रेष्ठ दो। और यही ध्येय वाक्य धरे हुए हम सब अपनी ही खींची लकीर को काट कर एक नई बड़ी लकीर खींचने में लगे हुए हैं। माँ, आपको याद है जब एक बार गुरु पूर्णिमा पर आप यहाँ मेरे पास थीं, तब मैंने अपने स्कूल की प्रार्थना सभा में आपको स्टेज पर बिठाकर कहा था, बच्चों प्रथम गुरु माँ होती है, मेरी गुरु मेरी माँ है, इसलिए आज हम इनका ही पूजन करेंगे। और सभी बच्चों ने आपके पैर छुए, पुष्प अर्पित किए। उस समय आपकी आंखों में एक अनिवार्य सुख की झलक मैंने देखी थी। आशीर्वाद की एक सतत प्रवहमान नदी सी मानो बह रही थी और आपकी वो स्वच्छ निर्मल हंसी को मैंने अपनी स्मृतियों के पिटारे में संजो कर रख लिया है। आपने कहा था, आज मेरी तपस्या सफल हुई। सच में कभी कभी आप मुझे कोई तपस्विनी सी लगती हो। हम आठ भाई बहनों के परिवार को आपने जिस अटूट धैर्य, अकथनीय सहनशीलता और कर्मठता से संभाला है, उसने हम सबके अंदर एक अनिवर्चनीय साहस सा भर दिया है। जैसी भी हो, आप हमारे लिए सखी के समान थी। सारी बातें आपको बतानी ही होती थी और डैडी और आप में कैसा अनोखा सामंजस्य था। कभी कोई विवाद देखा ही नहीं। उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलते, उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए भी अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखते हुए अपनी खुद की बनाई दुनिया में आपने जिस स्वर्ग को रच दिया था, उसे याद करते हुए भी रोमांच सा उठता है। कर्तव्य करते रहो, अधिकार कैसे स्वयं खींचे चले आएंगे, ये आपसे सीख लिया। हमारे यहाँ कभी कोई बहस झगड़े का रूप ले लेती है, उससे पहले झट से आपका चेहरा आंखों के सामने आ जाता है और वहीं उठते धुएं पर मानो पानी के छींटे आ जाते हैं। पता है, आपकी शेयरिंग की आदत तो पूरी की पूरी आ गई। याद है, आप जब भी कुछ खास बनाती तो पड़ोसियों के यहाँ और बाद में बर्तन मांजने वाली के लिए जरूर रखती। हम सब उस समय कितना चिढ़ते थे, पर आपसे ही सीख ले ली। रसोई की खुशबू पड़ोसियों और घर के नौकरों तक पहुंचती है, इसलिए कुछ भी खास हो देना नहीं भूलती मैं भी। माँ, आप सच में अन्नपूर्णा ही हो। सर्द सुबह में सुलगती अंगीठी पर पकती दाल और हींग जीरे की छौंक की सोंधी महक अभी भी महसूस होती है। मन करता है वही दाल चावल और हरे धनिये की खटमिट्टी चटनी मिल जाए। माँ, एक बात कहूँ, आपकी कलफ लगी हैंडलूम की साड़ी और बड़ी सी बिंदियाँ अब मेरी भी पहचान बन गई है। मुझे याद है कि हर करवा चौथ पर डैडी की लाई हुई चौड़े जरी पाड़ की हैंडलूम की साड़ी पहनकर ही आप चांद को अर्घ्य देती थी और आपका दीप्तिपाता गोरा चेहरा मन की संतुष्टि भरी खुशी से छलकता रहता था। पर डैडी के असमय चले जाने के बाद आपने कैसे उन खूबसूरत साड़ियों का मोह पल भर में ही झटके से छोड़ दिया और सफ़ेद साड़ी की धवलता को गरिमापूर्ण तरीके से अपना लिया। हम सब अंदर तक हिल गए थे। आपके उस रूप की कल्पना भी अत्यधिक कष्टकारी थी, पर आपने अपने उस दुख को अंदर ही अंदर पीते हुए सबको अपने आंचल की छाया तले समेट लिया और हम सबके जीवन में संघर्ष करने की अथक अटूट साहस की भर दिया। तभी तो वो मूर्ति मन में धारे हम आज भी आपकी तपस्या को सफल बनाने में जुटे हुए हैं। माँ, प्यारी माँ, आपके जन्मदिन पर आपको क्या उपहार दूँ, सब कुछ नगण्य सा लगता है। कुछ शब्द सुमन है वही समर्पित हैं। माँ, तेरे जन्मदिन पर क्या दूँ तोहफा, हैरान हूँ सोचकर ऐसा क्या कर दूँ कि आंचल में तेरे सितारे भर जाएं, कि होठों पर अंदर की खुशी छलक जाए। दोनों हाथों से भर भर जो दौलत तूने लुटाई है, जमाने भर की नियामतें हमने तुझसे पाई है, दुनिया में उनका नहीं कोई मोल, सब कुछ है प्यारा बेजोड़ अनमोल। कलफ लगी साड़ी और रोली की बिंदिया, मुस्काते चेहरे पर निंदियाई अखियां, इशारे से सब कुछ करना सिखाया, डांट डपट कुछ नहीं प्यार से समझाया, काम में जुटी रही अधिकार नहीं जताया, देती रही सब कुछ सबको दुलराया। डैडी ते बट वृक्ष तू अमर वेल, सूखा बट वृक्ष ये नियति का खेल, जीवन रस ले लेकर सबको पिलाया, खुद चाहे भूख रही सबको खिलाया, स्नेह जल अमृत सा कभी न सूखे, तेरी ममता की छाओं के हम सब हैं भूखे,
तेरे प्यार का अमृत कलश यूं ही छलकता रहे, झोली में हम सब की प्यार बरसता रहे। तेरे जन्मदिन पर तेरा है वंदन, माँ तेरे चरणों में शश्वत अभिनंदन, शश्वत अभिनंदन। प्यार सहित आपकी बेटी। आज माँ के लिए ये शब्द सुमन अर्पित करते हुए मन भर भर आता है। इस अवसर पर आदरणीय नेगी जी का, डॉक्टर मीना सरोला जी का, देवेंद्र जी जोशी का, अशोक जी सक्सेना का और हमारे समस्त सुधीजनों का जो इतने प्यार से मुझे सुन रहे हैं, सभी का हार्दिक धन्यवाद अर्पित करती हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर अवसर दिया बोलने का, अपने मन के भावों को देने का। बहुत सारे लोगों ने मुझे एक साथ सुना है, इसका भी बहुत बड़ा लोभ आ गया मन में। पुनः आप लोग इस अवसर देंगे, धन्यवाद आपका। अगर मौका मिला तो फिर आना चाहूँगी और एक बार पुनः मैं सभी को यहाँ पर धन्यवाद देना चाहूँगी, जो जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। धन्यवाद।